चलिए इस आवाज में ध्यान दीजिए, कल हमने द्विघात से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो करा दिया, द्विघात समीकरण की द्विघात बहुपद, हाँ द्विघात बहुपद से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, ठीक है। चलो तो उसी के दरमियान जो है कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। जैसे बोला है, ऑब्जेक्टिव निकालिए थोड़ा बहुपद में, द्विघात बहुपद एक्स, पहला क्वेश्चन द्विघात बहुपद एक्स होल 2x माइनस 5 माइनस होल क्लोज हो गया फिर माइनस का थी 3 के शून्यकों का योग है, इसके शून्यकों का योग। अब बहुत बच्चा देखा होगा कि ऐसा तो हम क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो इसी को तनका सा सॉल्व करता था तुमको बहुपद प्राप्त हो जाता और उससे जो है तुम शून्यक निकाल लेते। क्वेश्चन नंबर कितना, ऑब्जेक्टिव में एक, ठीक है। देखो कितना गौर से देख रहा है सब, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो उसमें ज्यादा हड़बड़ाने की बात है नहीं, क्वेश्चन इस तरह से दे ले है ना भाई, इसके शून्यकों का योग पूछा है, शून्यकों का कथी, शून्यकों का योग मतलब कथी, अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो क्रॉस बोलते इसमें गुना करा दो भाई, तो गुना कराओगे तो क्या होगा, 2x² हो जाएगा है ना, माइनस कथी जाएगा 5x और माइनस 3, ठीक है। चलो अब इसमें कथी चाहिए तुमको, अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस के माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है, माइनस 5, ठीक ना, और ए का वैल्यू कितना है 2, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस 5/2, ऑप्शन में कौन सा है, आए देखो भाई, ऑप्शन डी है कि ना, ऑप्शन क्या है भाई, डी। सबके समझ में आ गया, आए बोलो कौन कौन बच्चा से क्वेश्चन ई नौ बना था, कृपया हाथ उठाइए, कला नहीं बना था, हाँ तो ऐसे कर लेना था, ठीक है। चलो हो गया, इसको उतारिए थोड़ा, इजी क्वेश्चन है, ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो ध्यान दो भाई, थोड़ा फास्ट उतारिए, फिर दो नंबर देखिएगा, इसमें से पूछ रहा है कौन बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद का पहचानना हम लोग सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह से, उतारिए जरा इसको, पहला तो हो गया, दूसरा जो है कोई बनाया है भाई, दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन कौन बनाया है, दूसरा जो बनाया है बस एक के गो, अरे इसमें बोले थे सब बना के लाने के लिए, नहीं बनाया है कि पहले मिला कर लगे हैं, है नहीं बोले है कि पौड़ा वाला बच्चा सा, इसको भी बनाना था तो कंसेप्ट खत्म हो जाए ना, तो अपना यूज कर लिया करो कि होमवर्क है, ठीक है। तो ऐसा ना कि हम कहेंगे तब, हम नहीं कहेंगे तो अपन दिमाग यूज कर लेना है, क्योंकि अभी जो है अब मान लो कि खाना तोरा यहाँ रख दिया जाए भोज में, अब तोरा कहेगा होए तो होए और न हो तो ना, वैसे वैसे वाकई में वैसे होता है, ठीक ना। लेकिन मान लो कि तोरा कोई न कहे हो या सब खाने लगा था, तू कथी करेगा, अरे मिला बस लपा लप लपा लप, हाँ चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो बहुपद के लिए ध्यान रखना है कि अगला संख्या वास्तविक होना चाहिए, यानी जो गुणांक कथी होना चाहिए और घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, घात में कथी पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन सॉरी क्या नंबर है, 2 नंबर ना, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन जो दे रहा है x² ए नंबर ऑप्शन का थी, x² कहने के लिए भाई -5x + √x + 3, ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि ये रूट जो है कथी में है, सॉरी x कथी में है, हाँ ये तो ठीक है, सब ठीक है, यही काम गड़बड़ा दिया, कारण क्या भाई, ये जो है रूट का वैल्यू क्या होता है, रूट का यहाँ पे 1/2 होता है, जिसके कारण कथी हो गया गलती, 1/2 कथी होता है परिमेय होता है, घात हमको कथी चाहिए पूर्ण संख्या, सब पर पूर्ण है, यहाँ भी पूर्ण है, लेकिन यही गड़बड़ा दिया, गुणांक देखो यहाँ ना कुछ होता है 1, -5, -4, तो गुणांक तो परफेक्ट था, ठीक ना, तो क्यों नहीं होगा, ए नंबर समझ में आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, बी देखिएगा गौर से, बी में कह रहा है इधर ऐसी दे रहा है,
तो ऐसी बी वाला नहीं हो, ऐसे दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है ना घात। हाँ सी भी नहीं होगा कि होगा, देख लो भाई सी भी ऐसे दिख रहा है ना, पहले पहले के रूट में दे लेते, ऑप्शन बचा लास्ट तो तय है कि होगा, तो उस पर चेक नहीं करना है, लगा दो घस दो आराम से। लेकिन हम बता देते कारण सहित है ना, डी क्यों होगा बहुपद, सबसे पहला कि रूट दो दे ले है, कथी दे ले है एक्स स्क्वायर, ठीक ना, चलो माइनस तीन रूट तीन एक्स और फिर दे ले प्लस में रूट छः, तो हमको गुणांक चेक करना है, तो गुणांक रूट दो अपर में होता है, अपर में भी वास्तविक है, है ना, माइनस तीन रूट तीन ये भी अपर में है तो ये भी वास्तविक है, तो गुणांक परफेक्ट है, घात देखो पूर्ण है, दो भी को पूर्ण संख्या होता है ना कुछ, तो यहाँ एक है, यहाँ दे सकते हो जीरो, है ना, तो ये सब कथी है पूर्ण है, यानी ये जो है आपका परफेक्ट है, तो ये कथी है आपका द्विघात बहुपद है। किसी को डाउट इसमें, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, चलो ठीक है, चलिए ठीक है, देखो भाई देखो 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 उतारते चलो। तो बहुपद नहीं है ये वाला क्वेश्चन, सब अच्छा से बनाना भाई, हो गया। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा, तीन देखो तो भाई किधर है, कह रहा निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल तीन तथा गुणनफल कितना हो, माइनस तो जितना समीकरण दे ले है ना सब का योगफल निकाल के देख लो, एक फल गुणनफल पूछा ना, तो पहला समीकरण का योगफल निकालोगे तो कह नंबर क्वेश्चन है तीन नंबर, पहला का अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यह ना भाई, पहला तो देखो माइनस बी बाई ए तो कितना होगा, माइनस बी तो माइनस बी बोला है ना तो माइनस फॉर्मूला वाला, और बी का वैल्यू कितना होगा तीन, माइनस तीन होगा सबको दिख रहा है, चलो आ ए का वैल्यू कितना होगा एक, तो फाइनली कितना वैल्यू आ गया भाई तीन, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऑप्शन ये तो सही है। अब चेक कथी करना है आपको, गुणन फल ना तो अल्फा इंटू कथी, इसी का पहले चेक करो तो सी बाई तो सी का वैल्यू कितना है भाई दस, आई का वैल्यू एक, जो कि गलती है तो ये नहीं होगा ऑप्शन ए, नहीं होगा ऑप्शन ए जो है, क्यों नहीं होगा समझ में आ गया ना, चलो अच्छा ये लिखता है कि नहीं समझो, हाँ लिख लेना भाई ऑप्शन ए नहीं होगा, चलो अब बी देखेंगे, कथी देखेंगे बी, बी किधर है, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दस, ठीक ना, तो भाई फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट लगाए, आए अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट माइनस बी बाई ए कितने है, तो माइनस माइनस माइनस, इसमें तो माइनस नहीं दे रहे तो फार्मूला वाला माइनस हो गया, अब बी का वैल्यू कितना भाई तीन, चलो आ ए का वैल्यू एक, तो ए एक नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना, तो ए भी नहीं है, पहले कैसे पता चल रहा है, क्योंकि तीन तो हमारा प्लस में आया है ना, इसलिए ए भी नहीं है, ठीक है चलो सी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस कितना दस, तो माइनस बी बाई ये डायरेक्ट निकाल दे, अल्फा प्लस बीटा ये सब निकालेंगे डायरेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्टिव चेक करा था डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत है नहीं, हम आपको बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइंड में करिए, माइंड में करे, देखो माइनस है और फिर यहाँ पर भी माइनस तीन है, कितने गया भाई किधर गया क्वेश्चन में, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा, अब बटा में एक कथी चाहिए ए, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे एक, तो तीन आ गया, नहीं जिसको समझ में आ रहा है देख लो भाई एक बार बता देते, देखो यहाँ पे माइनस ई वाला, अब बी का वैल्यू कथी है माइनस में है, और तीन का वैल्यू कथी में है एक दिले है ना, तीन का वैल्यू आए ए का वैल्यू, ए का वैल्यू जो है किसका होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो फाइनली कितना हो गया तीन आ गया, तो ये तो सही है गुणन फल, कैमरा में देख रहा है नहीं दिख रहा,
यही दिखा। चलो अच्छा, तो एक फल समझ में आ गया, गुणनफल देखो, तो अल्फा इंटू कथी बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की, बीटा की बात करें हम लोग तो क्या होगा भाई, माइनस बी बाई ए, माइनस सी बाई ए, सॉरी सी बाई ए, माइनस नहीं होगा सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है माइनस दस, ए का वैल्यू कितना है एक, यानी परफेक्ट है, एक हटा दे ये परफेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज, हाँ सी जो है करेक्ट है। चलो ये चेक हो गया यानी सही आ रहा है, ठीक है इसको उतारो तो जल्दी थोड़ा। चलो ध्यान है यहाँ पे, हम तीन और माइनस दस ही लाने की क्यों कोशिश कर रहे थे, कोई बताएगा हमको, तीन और माइनस दस ही हम लाने की क्यों कोशिश कर रहे थे, नहीं बोला है क्वेश्चन में, वही बोला है कि तीन जो है एक फल है, गुणनफल कितना है माइनस दस, ठीक है ना, तो क्या जबरदस्ती थोड़ी ना लाए, तो बोला था कि इस बहुपद का ही शून्यक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मतलब एक जो दे दिया तीन है, गुणनफल कितना है माइनस दस, तो किस बहुपद से प्राप्त हुआ है, तो ये चेक किए हम लोग, तो तीसरा बहुपद से निकला, ऑप्शन सी से निकला, समझा। अब उसको डाउट क्या है कि प्लस में कैसे लिया है, भाई फार्मूला में माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू देखो तो उसमें माइनस में दिले है तीन, ना दिले है, आंसर में फिर देख रहा है, क्वेश्चन में देखो पहले, क्वेश्चन समीकरण क्या है, मकलोल बोल नहीं रहे हैं, इका दे ले है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस तीन एक्स माइनस दस ना दे ले, क्या दिक्कत है, तो फिर तो प्लस में नहीं आएगा, तो फिर हाँ कहाँ है आंसर माइनस दे ले, ये क्वेश्चन है ये आपका, ये जो है ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सी नंबर क्या है ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन में देखो तो माइनस में तो है ये है, तो माइनस में दे ले तो माइनस में आएगा, हमको तीन जो है क्वेश्चन में देखो तीन क्या है, तीन है क्या चीज से पहले बताओ, एक फल है वो कथी में है, तो किससे प्राप्त हुआ समीकरण मतलब बहुपद तीन से प्राप्त हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं ऑप्शन सी से प्राप्त हो रहा है, ठीक नहीं जबरदस्ती नहीं लाया गया, समझ में आ गया, ठीक है चलो उतारो उतार लिया मानसी नहीं आया, चलो ठीक है आगे देखिएगा, चार नहीं बना है कोई से, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है, तो शून्यक मतलब क्या थी, इसको निकालो भाई शून्यक, इसको चलो इधर देखो, क्वेश्चन क्या है भाई, चार एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा छ एक्स माइनस दो है ना, ये जो है आपका कथी है, ये समझो भाई ये बहुपद है, ठीक ना, द्विघात बहुपद इसको तुम सरिया देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ई वो एक्स ऊपर चला जाएगा छः नीचे माइनस दो हो जाएगा बराबर जीरो आए है ना, ना कुछ तो बटा में एक, ना कुछ तो बटा में एक, एलसीएम लेगा तो छः ले होगा, इसे ही भाग होगा तो छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा आए प्लस इसे ही करेगा तो एक्स और माइनस कितना बारह हो जाता ही हो बराबर जीरो, छः एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बारह बराबर जीरो, अब कहिए ये छः कहाँ गए, तो छः कथी में है गुना में, भाग में है तो इधर गुना में जाएगा, हाँ देखो यहाँ पे जीरो आई भाग में है तो कथी में जाएगा गुना में, तो ये भी जीरो हो जाएगा पता है ना, तो छोड़ दे डायरेक्ट लाइन बचाओ भाई, एक लाइन हो गया ना समझ में आ गया, अब इसका इसका गुना पता है ना फर्स्ट लास्ट का गुना, तो बार छः कितना बहत्तर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसको तोड़ के इतना ला देना है ना, और जोड़ने घटाने पर यही होना चाहिए, ठीक है अब दिमाग लगे कितना का तोड़े कि बहत्तर आ जाए, तो बहत्तर को पहले तोड़ो, दिमाग जब ना करे काम तो बहत्तर को तोड़ो, दो से तोड़ोगे भाई तो कितना देगा, द्वितियाई छः दो छक बारह ठीक ना, फिर दो से तोड़ो अठारह, फिर दो से तोड़ो नौ है ना, फिर तीन से तोड़ो तीन, तीन तियाई नौ कितना हो गया, तो आठ नौ का गुना करने से बहत्तर आ जाता है, अंतर भी करेंगे तो एक साथ आएगा, प्लस में लाना है इसलिए छोटका को माइनस में रखो और बड़का को प्लस में, समझ में आ गया, तो जैसे तोड़ोगे ना दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देगा, इसलिए बोलते हैं बार बार तोड़ना, ध्यान दो भाई इधर समझा ना, क्या जोड़ी लगेगा आठ और नौ का, आठ माइनस में नौ प्लस में होगा पता है ना, तो भाई छः एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना माइनस आठ एक्स और प्लस नौ माइनस में बारह दिले है से बराबर लड्डू, ठीक है अब देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, दो एक्स निकालेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा तीन एक्स
माइनस यहाँ पे दो निकल गया तो चार और एक्स तो निकला ला भाई, दोनों में कितना है भाई तीन, प्लस में कॉमन है तो बचेगा कितना तीन तिहाई तीन एक्स माइनस कितना चार बराबर लड्डू। अब देख रहे हैं हम लोग क्या चीज़ कि घर सेम आ गया तो घर में कॉमन कर लेंगे भाई साहब, ठीक ना। तो बचेगा यहाँ पे कथी टू एक्स प्लस में तीन बराबर लड्डू। अब यहाँ पे तीन एक्स माइनस में चार बराबर लड्डू, और यहाँ पे कितना हो दो एक्स प्लस में तीन बराबर लड्डू। डेक लिख लो एक्स बराबर कितना माइनस में उधर जाके प्लस में, और ये गुना में तो कथी में हो गया भाग में, समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे देखो तो एक्स बराबर कितना माइनस में तीन, अब बटा में कथी चला गया दो। ऑप्शन में देखो तो ये चार बटा तीन या माइनस तीन बटा दो कहाँ है, कौन ऑप्शन में है, अब पहले बाद में भी दे सकता है। देखो यहाँ पे तो चार बटा तीन पहले खोजो किस में, चार बटा तीन तो बी में है, चार बटा तीन प्लस में ठीक है, और माइनस तीन बटा दो कहाँ, इधर उधर दे सकता है पहले बाद में तो कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन देगा बी, ठीक है ना। चलो भाई इसको उतारो जल्दी, समझ में आ गया सबको। चलो चलो ऐ बुआ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, हम अभी कह रहे थे कोई चीज़ आगे क्वेश्चन जो है ये तो हो गया तीन नंबर हो गया चार नंबर हो गया ना, पांच नंबर तो बन जाना चाहिए। हाँ चलो सात नंबर तो बता ही दिए कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एन नॉट इक्वल टू जीरो का आलेख होता है, तो कथी होता है परवलय होता है ना, क्योंकि द्विघात है ना। चलो अब जो सात नंबर आठ नंबर का क्वेश्चन दे ले दिख रहा है, आए आठ नंबर का क्वेश्चन दे ले है द्विघात त्रिघात का फॉर्मूला लिखवाए थे याद है कुछ, आए हाँ। तो अब त्रिघाते से संबंधित जो है, हालांकि त्रिघात में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गो, पहला चैप्टर में पढ़े थे ना, कैसे पढ़े थे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गो रिद है ना पढ़े थे हाँ। तो इसमें हम आपको पहले ही बता दिए थे ये बीच वाला को कथी बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, दिख रहा है सबको बीच वाला को कथी बोलते हैं भाज्य, और नहीं ऑन है ना, बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं है ना, इसको भाजक, और नीचे बचता है उसको शेष फल है ना। चलो और उसमें बताए थे इसको ए इसको बी इसको क्यू और इसको है नू, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप इसको क्या मानेगा से देख लीजिए, इसको पी एक्स मानिएगा कथी पी एक्स, इसको क्यू एक्स और इसको जी एक्स कथी जी एक्स और इसको आर एक्स, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, पी एक्स बराबर है ना, पी एक्स बराबर कथी हो जाएगा जी एक्स इंटू कथी क्यू एक्स है ना प्लस आर एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला समझ में आ गया आपको है, प्लीज इसको राइट डाउन कीजिए तो थोड़ा ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी ये भी ये भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ भी है पढ़ना, ठीक है। अभी इससे संबंधित अगला एक क्वेश्चन हो दे ले है ना, इसलिए लिखवाए हैं। चलो भाई हो गया, तो सात नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, सात देखो हाँ सात तो देख लिए ना, आठ हाँ आठ खूब सर्दी हो छु ना, दोस्त के खूब सर्दी हो। चलो ध्यान दीजिए तो आठ नंबर पढ़िएगा एक बार,
करा यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स इस अच्छा गुना में देखो गुना में है ना तो पहले इसको लिख दे चाहे पहले इसको लिखो उससे कोई दिक्कत हाँ तो पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात कितना है 3 है तो पी एक्स बटा जी एक्स ज्ञात कीजिए अच्छा इतना का घात होगा कथी बोला समझा फिर से क्वेश्चन को समझो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं भाई ये नहीं जानते फार्मूला तो इसमें जो है दे दिया है फार्मूलो दे दिया है और यहाँ पे आर एक्स का जरूरत नहीं है क्योंकि घास मतलब है घात पूछा है बोला कथी है कि भाई पी एक्स का घात कितना है 7 है घात कितना है पी एक्स का 7 है और एवं जी एक्स का घात कितना है 3 तो पी एक्स बटा कथी जी एक्स तो आपको पता है इसका घात कितना है ऐसा घात कितना है 3 है ना तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स के ना घात होगा तो इसके घात 7 एक्स का घात कितना तो ऐसे रहने पर घात सेम रहने पर कथी तो पावर घटता है याद है तो क्या करेंगे पावर घटाएंगे यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स 7 घटे 3 बराबर कितना होगा एक्स का वैल्यू यानी पावर कितना हो गया आपका ऑप्शन में है सही है या गलती समझ में आ गया सबको फार्मूला बताए थे ना याद करो हम फार्मूला बताए थे इसको आपको बताए होंगे कि बेस सेम रहता है तो पावर कैसे होता है घटता है ए एम ए एन बराबर बताए थे ए एम घटे एन या एक्स के रूप में लिखाए होंगे तो यह सूत्र यहाँ पे लगा इसे घात करेंगे मतलब कथी एक्स से कितना घात होगा भाई समझ में सबको आ गया क्या नंबर क्वेश्चन था 8 नंबर के लिए ठीक ना यहाँ से लिख लीजिएगा ये फार्मूला है नहीं लिखेगा तो चलेगा ये भी इतना पे लिख लोगे तो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा और ऑप्शन कौन होगा भाई ऑप्शन बी चलो ठीक है हाँ। अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन जो है 9 नंबर एगो रूट वाला दे ले इसलिए इसको बता देते हैं हम तुमका ठीक है तो रूट वाला देख के लड़का सा जो है अलबला जाता है हाँ जो भी बोलो अलबला जाता है चाहे उलबुला जाता है 9 नंबर ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से लिख रहा है कुछ बच्चा चलिए तब तक हम लिख रहे हैं इधर डायरेक्ट हम डायरेक्ट 0 ले लिए चलो भाई 9 नंबर देख लिया 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन से हैं इसमें से कौन सा है तो क्या करते फर्स्ट लास्ट का थी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो 12 एक्स स्क्वायर बिना है कि नहीं रे फर्स्ट लास्ट का थी करेंगे गुना कर लिया अब गुना करने के बाद कर बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर इतना जाना चाहिए और जो नहीं घटाने पर इतना ही रहना सही है ठीक है अब आ जाओ इसको तोड़ो तो कितना होगा 4 और 3 है ना 4 और कथी 3 है ना चलो यानी गुना करने पर जो है एक कथी में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए ठीक ना तो इसमें से कोई एगो माइनस में लेना पड़ेगा ना आए अब दिमाग ये भी लगाना है कि फिर जोड़ घटाओ करने पर माइनस में 2√x से रहना चाहिए थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा ठीक ना आ जाओ भाई तो सिंपल रहता तो इसको माइनस में ले लेते ठीक है आए आ 4 3 12 एक्स स्क्वायर लेकिन जोड़ घटाओ करने पर तो उतना नहीं आ रहा कितना रहा है माइनस में एक्स आ रहा है ना यानी ये तो जोड़ी नहीं हो सकता है ये जोड़ी नहीं होगा जोड़ी तो ऊ दोनों का होगा और कर लो बतिया लो बाह कर लेते नहीं हाँ तो ओकरे दोनों कह रहे हैं फिर बतिया रहा है मतलब जब तक पिटाई नहीं खाएगा तब तक नहीं होगा बात बंद क्वेश्चन में सोचो ना जरा रूट 2 है तो रूट 2 को कैसे तोड़ेंगे कि इतना अच्छा लगेगा बार हैं रूट 4 और रूट 3 है नु इसमें जोड़ घटा तो होबे नहीं करेगा बारह को जो है हम लोग कैसे लिखते याद है मार्गदर्शन अच्छा सा मिलता है छोटे बच्चे का
ऐसे लिखते हो? हाँ। दो रोट तीन, दो तिहाई छ नहीं, दो दूना चार तिहाई, ये याद है सबको। अब इसी से हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे। इसका करने का मतलब क्या भाई, इसका करने का मतलब क्या है कि रूट तीन कैगो है? हाँ दुगो है ना। तो एगो रूट तीन लिखे, एगो रूट तीन लिखे, है ना। तो एगो रूट तीन, एगो रूट तीन का गुना करेंगे तो भी 12 नहीं आ रहा है ना। लेकिन यही हम दिमाग लगा रहे, दो रूट तीन है, एगो रूट तीन, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? होगा इसे, तीन तीन तो तीन हो जाएगा ना, हो आ, तीन दुना छ होगा, गुना करना चाहे तो। रूट दो ले ले, अब हो सकता है, गुना करो तो भाई, रूट दो रूट दो गुना होगा तो कैसे होगा, दो आ जाएगा, फिर तीन दुना छ, क्या हाँ तत्तो लिखे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब गुना करके देखते हैं, फिर जोड़ घटाओ नहीं होगा, तीन तीन नौ हो जाएगा, नौ दूना अठारह हो जाएगा, जो कि गलती है, ठीक है। चलिए कुछ आराम से क्वेश्चन को देखो, ध्यान दीजिए बुआ सर, इसका सेटिंग नहीं मिला तो एक और आइडिया, सेटिंग मिलेगा समय लगेगा, लेकिन देले उसी के अकॉर्डिंग देख लो ना, काला जाएंगे और बुलाने हम लोग, ऑप्शन देले है ना, उसके अकॉर्डिंग देखो। पहला जोड़ी क्या है, माइनस तीन रूट दो, और फिर क्या है दो, यह ना दिले ऑप्शन ए, ध्यान दो यहाँ पे, तो ऑप्शन ए के को नहीं सेट करो तो गुना करोगे तो तीन के तीन हो जाएगा, और रूट दो रूट दो यानी दो, तो गुना करोगे तो कितना छ आएगा। पहला गेलो, दूसरा चेक करो, माइनस कितना है, समझ में आ रहा है सबको? चेक करने के लिए बता रहा कैसे गुना होगा से, तो ऑप्शन जो बी है, बी 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 ना मतलब बी ना, तीन रूट कितना है दो, और माइनस में दिले गुणे कितना करेंगे एक बटा रूट दो, गुना क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम ई पहले लाने के चेक कर रहे हैं, बाद में जोड़ घटा तो बाद में कर ही लेंगे। तो भाई साहब ई से ई गेलो तो माइनस तीन आ रहा है, जबकि बारह कितना आना चाहिए, बारह एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स तो नहीं लगा था बात की बात है, लेकिन कम से कम बारह तो आना चाहिए माइनस में, तो यो गेलो। ऑप्शन सी देखो भाई, सी में कितना, माइनस तीन बटा में रूट दो गुणे करेंगे ना गुना लाने के लिए, एक बटा में कितना दो रूट दो, तो जैसे हम ई कर रहे हैं तो ऊपर आ गया कितना माइनस तीन, और रूट दो से रूट दो तो दो, और दो दूना चार, इससे क्या मिला हमको कि कोई इसमें से आंसर नहीं, तो हमको इसका आंसर लाने से मतलब था, ये बने चाहे ना उसे कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब दिमाग ना काम करो तो ऑप्शन से खेला खेल ली, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब जो है ऑब्जेक्टिव पर आने से पहले एक क्वेश्चन जो है हम देख चुके हैं, वो सब आपसे पूछेंगे। हो गया भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, बाकी सब तुम सबसे बन जाएगा, ठीक है। 36 क्वेश्चन देखो भाई, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल कितना है, 8 है,
तो एक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इसको मिटा दे। ये सब गेस से देख रहा है, ध्यान रखना, सब कॉपी में अच्छा से लिख लेना गेस से, नहीं तो घर पे रिवीजन करते समय समझ में कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन ज़्यादा आ जाएगा। चलो भाई देखो, तो 36 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ना, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, और यहाँ पे दे रहा है मूलों का गुणनफल, मूलों का ए है ना, माइनस बी सॉरी सी बाई ए होता है, ये निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, निकालो तो सी का वैल्यू ए, ठीक ना, आई का वैल्यू कितना एक है ना, यानी कितना आ गया ए। इसमें क्या ही दिया था क्वेश्चन में, इसका गुणनफल कितना दिले है ए दिले है, ठीक ना, ना इसका मूलों का गुणनफल कितना है और हमारा निकाला कितना है ए निकला है ना, आए तो ए जो है आपके कथी होगा, ए जो है आपके कथी होगा, समझा नहीं समझा हाँ। फिर से देखो क्वेश्चन हाँ। में जो है मूलों का गुणनफल कितना दिया और हम निकाले थे कितना हुआ ए, आया कि ना, देखो बटा में एक का कोई वैल्यू नहीं है, ए आया हाँ। तो जो दे रहे था उसके बराबर ही नहीं हो गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन हो गया, सी नहीं दिले है, तो गलती है, ठीक है, क्वेश्चन समझा या फिर समझाना पड़ेगा हमको। कह रहा था यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है, ठीक ना, तो मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो एक के देखिए गुणनफल हम लोग निकाले थे कितना आया, ए आ गया ना, कैसे आया से समझा दिए ना, चलो लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या था भाई, 8 दिले था तो ए को 8 के बराबर करेंगे, ए का वैल्यू निकल गया, चलो ठीक है। अब आओ तो भाई कुछ ऑब्जेक्टिव तो ऐसे पूछना है तो बताओ ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में, नहीं पहला से नहीं, अभी पहला चैप्टर से बताए के पहले इससे पूछ रहे हैं, भिन्न के जोड़ वाला करवाए थे ना, भिन्न के जोड़ वाला करवाए थे ना, अरे अल्फा बीटा का भिन्न के जोड़ टाइप के करवाए थे ना क्वेश्चन, हाँ चलो एगो क्वेश्चन है देखो तो 51 नंबर, हो गया चलो 51 देखो, 51 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल कितना होता है 8 की 16, हाँ देखो हाथ देखिए 8 ना होता रे, 64 को ऐसे लिखोगे तो इसका वर्गमूल ठीक ना 8, आगे क्या बोला है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल यानी जब वर्गमूल बोले तो यहाँ पे 2 रहता है है ना, घनमूल बोलते हैं यहाँ पे कितना रहता है 3, तो 64 का जो वर्गमूल होता है कितना 8, ऐसे घनमूल 4 है ना, तो क्या बोला भाई 64 के वर्गमूल के को उसके घनमूल से भाग देने पड़ता है, भाग दो ना कितना आएगा, समझने के लिए नीचे लिख सकते हो, ठीक है, कितना आ गया भाई आंसर, ऑप्शन ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग ये आप लोग बना के आइएगा, बचल खोचल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी सब्जेक्टिव निकाले इसी का, हाँ हो ए, देखो बुआ क्वेश्चन नंबर कितना जानता है, एक बच्चा पूछा 50, ध्यान दो भाई तू सब दशमलव देख के डर गया, क्या यार दशमलव में क्या है, देखो यहाँ पे 0.3 कितना है 3x है, माइनस 0.3 कितना है 3.7 है ना, बराबर फिर कितना है 0.37 एक्स माइनस 0.3, इसमें बोला x का वैल्यू निकालने के लिए, दशमलव उड़ा दो तो उड़ाओगे कितना आएगा 10 आएगा, इधर उड़ा दो कितना आएगा 10 आते 100 आते बराबर, इधर उड़ा दो कितना 100, एक साइड ना ध्यान है ना, अरे इसी में हम रेख बना रहे हैं ठीक ना, इसी में रेख बना रहे हैं, यहाँ एक्स लागल है ठीक है, बराबर तो दिल ही है ठीक है, रेख बना रहा है ठीक है, समझ जाना भाई ठीक है, और है फिर इसको उड़ा था 10 आगे है तो कितना लिखा गया, एक्स
यहाँ बड़ा वाला ना, कितना भाई 37। एक्स कैसे लिख दिए, 100 नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? तो उसे ना बोलता है भाई, यहाँ पे 3/10 है ना। चलो ध्यान दो, अब भिन्न के जोड़ा भाई छो आए तो 100 और 10 का एलसीएम 100 होगा, इसे ही कटेगा कितना आएगा 3x की 300x 10 से ना कटते रहे, 10 दहाई 100 तो 10 30x हो जाएगा, कितना होगा भाई 30x माइनस है तो माइनस, 100 से 100 के लिए कितना 37 है ना भाई। चलो 100 और 10 का 100 आ जाएगा, आए 100 से 100 के लिए कितना 37 10 तिहाई 30 ठीक है। ये 100 से 100 के लिए गोतिया बराबर ये विभाग में ये विभाग में कट जाता है, पता है ना, क्या बार बताए होंगे ठीक ना। चलो अब क्या करो, इधर बच गया कितना 30x माइनस 37 और इधर बच गया 37x है ना भाई, माइनस कितना 30। देखो ये तो लंबा बना रहे हैं इसलिए लंबा बन रहा है, लेकिन शॉर्ट भी बन सकता है, लेकिन तो ऐसे समझ में कम आएगा, ये चलते चलो x वाला एक साइड ठीक ना, तो 30x इधर कितना 37 इधर चल रहा बराबर, इधर कितनी माइनस में 30 है, इधर कथी है माइनस में 37 है, तो उधर जाके कथी में हो जाएगा प्लस में 37 है ना। चलो 37 और 30 कितना जगह 67 है ना, 37 में से 30 गए 7, x बराबर कितना 7/67 ऑप्शन में है, है क्या गलती हुआ देखो तो भैया पूरा। कहाँ प्लस में, अच्छा ये कथी में भाई प्लस में था, हाँ। नहीं नहीं माइनस में था, नहीं ना ठीक तो है। देखो तो यहाँ चेक करो तो यहाँ पे 30x कितने भाई 30x लिख दिया यहाँ पे, हाँ इस 37 देखो भाई 37 जो है उधर से प्लस है, इधर आके कथी में होगा माइनस में, सही बोला है ठीक ना। वो ये 30 उधर माइनस में तो माइनस में है, इस 37 माइनस में तो जाके प्लस में, अच्छा तो यहाँ 30 को x में से 7x घटेगा तो माइनस में कितना 7x हो जाएगा, इधर 7 बचेगा, अब वही तो कह रहे हैं तो x वाला कितना गया 7/-7 हो गया, सही है भाई। चलो ठीक है ऑप्शन कौन है देख लो भाई, ठीक है उतारो गेस निकालिया, गेस में जो है ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 देखिए, हाँ दिख रहा सबको आए, हाँ पेज संख्या जो होगा आपका 55 होगा, हाँ बुआ 3 पढ़ लिया सब, आवाज ज्यादा थोड़ा हो रहा है, पढ़ लिया सब। देखो 3 में क्या बोला, एक दुई घात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य फलनवा छिलनवा दे ले, यानी √3+1 √3-1 दे ले, तो इसमें शून्य दे दिया, याद करो हम लोग जो है शून्य क्या माने थे अल्फा बीटा है ना, आ यहाँ दे दिया का थी √3+1 और √3-1 ठीक है ना, शून्य तो हम एक फल निकालेंगे, कथी निकालेंगे एक फल जो दे दिया है शून्य को उसको कथी निकालेंगे, मान ये एगो अल्फा का वैल्यू है मान भी सकते हो, माना कि एगो अल्फा ठीक ना, माना चाहो तो मान लो माना कि ठीक ना, ठीक है अल्फा बराबर कितना √3+1 और बीटा बराबर कितना अल्फा इंटू सॉरी √3-1 ठीक ना। अब जो बोला है उससे निकालो कथी अल्फा प्लस का थी बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा भाई, हो गया है ना, जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना निकालोगे √3 और √3 का √3 2 √3 एक में से एक कट जाएगा, समझा गया, हाँ 2√3 क्या लिखा जाता है कभी कभी, चलो ये ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो √3+1 है ना, गुना करना बराबर दे दो भाई √3-1 है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे √3 से √3 गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, चलो √3 में -1 से गुना कीजिए तो -√3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, 1 से √3 में गुना कीजिए तो √3 आ जाएगा, फिर प्लस -1 हो गया। चलो
ई से ई गेलो, तीन में से एक गया था कितना आ गया, दो आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकल गया, तो द्विघात सूत्र जानते हैं हम लोग, याद करो सूत्र जानता है, कैसे जानते हैं हम लोग, पी एक्स बराबर है ना के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना, जानते हैं। चलो भाई तो यहाँ पे कथी करेंगे, के लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, इसका योग कितना निकला है, दो रूट तीन, एक्स चिपका देंगे, और इसका कितना निकला है, दो है ना, बटा में नहीं तो इसको हटा दो और लिख दो अंतिम में, इसलिए पी एक्स बराबर कितना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस दो रूट तीन एक्स प्लस दो। बताओ इस ऐसे क्वेश्चन से परेशान हो गए, नहीं होना है, ठीक है। चलो उतार लो भाई, ठीक है, मिलाई लो, ठीक है, जल्दी मिलाओ, एक क्वेश्चन करवाएंगे आप पास जो है छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। देखो तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन त्रिघात के लिए निकालना है, क्या चीज के लिए, त्रिघात के लिए, जस्ट अगला क्वेश्चन है चार नंबर, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य इतना इतना इतना, यानी एक माइनस एक एवं माइनस दो है। याद करो त्रिघात बहुपद में हम लोग शून्य किसको पढ़े थे, अल्फा बीटा गामा को, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में जो है ए के अल्फा मान लेंगे, के बीटा ए के गामा मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, है ना, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, फिर उसका जो एक सूत्र होता है उस सूत्र पर वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शून्य हमको मानना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा, योग भी दे देगा आपको, कभी दे देगा योग, और फिर दो दो करके जो दिले है, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो दिले वो भी दे देगा, और इसका गुणनफल भी दे देगा, ठीक ना। तब बोलेगा आपको समीकरण निकालने के लिए, चाहे बहुपद निकालने के लिए, तो ना निकलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दे ले नहीं है, इतना निकालना पड़ेगा, काम थोड़ा ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछ भी दिया है, तो हर तरह से तैयारी रहो, कितनों घुमाए घूमना है नहीं। चलो तो चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना, तो लिखिए क्वेश्चन देख लिया सब ना। माना कि अल्फा बराबर कितना, एक, बीटा बराबर कितना माइनस एक है ना, गामा बराबर कितना भाई माइनस दो, ये ना भाई, देख लिया सब। चलो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू कितना रखे हैं, एक, बीटा का माइनस एक, गामा का कितना माइनस दो। चलो अच्छा से कर लो, इसका कहती है बीटा का माइनस में हाँ माइनस एक, गामा का माइनस दो, हाँ सही है, अब ठीक है। चलो एक प्लस माइनस कर दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, चलो तो ए का माइनस कितना तीन होगा, अरे तो ऐसे करो ना, इसको काट ही ना दो, हो गया कितना गया माइनस दो आ गया। चलो अब कैसे निकालना है, अल्फा बीटा है, बीटा गामा है ना, और गामा अल्फा। चलो भाई तो अल्फा का वैल्यू कितना, एक, बीटा का माइनस एक प्लस बीटा का कितना माइनस, इधर लिखना होगा तो हमेशा कथी में बड़ा क्या बताए गलती ना हो, ठीक है। और गामा का भाई माइनस दो, ठीक ना, प्लस गामा का माइनस दो गुणे अल्फा का एक, ठीक है आ जाओ, प्लस माइनस माइनस तो एक कम एक, इसको जस के तस है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक दूना दो, एक दूना तीन कर दो बा कर, याद रखो दो एक कम दो का अब माइनस प्लस कैसे देगा, ठीक है इसे ही गेलो कितना गया माइनस एक, ठीक है। चलो अल्फा इंटू बीटा इंटू कथी गामा, तो अल्फा का वैल्यू कितना, एक, बीटा का माइनस एक, गामा का माइनस दो, तो कितना हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस में दो हो जाएगा। देखो प्लस माइनस 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 प्लस, एक इकाई एक, एक दूना दो, ठीक है ना, चार ना कर दिए जोड़ के सब, ठीक है। अब जो है हम लोग बहुपद जो है आराम से निकाल सकते हैं, समीकरण हमको आता है ना भाई, समीकरण हम लोग को निकालने आता है, चलो सीखे हम लोग। चलो ध्यान दो क्या होगा इसका, क्या पी एक्स बराबर मानते हो भाई, हाँ पी एक्स बराबर है ना, इधर लिख रहा है, ठीक है पी एक्स बराबर बोलो के,
एक्स क्यूब माइनस, गलती ना बोला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक ना। अच्छा अच्छा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इसको बंद करके एक इधर भाई नहीं हट रहा, ठीक ना, हो गया। चल हल्ला कर रहा है, सब बोला है तो अच्छी बात नहीं, तू तो गूंगा है। हाँ तू गूंगा है, ठीक है। चलो अच्छा, बाटा वाला तो कुछ है नहीं ना, इसलिए के छोड़ दे। चलो कि एक्स क्यू हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना निकला, तो माइनस दू, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस फलाना के कितना वैल्यू देखो था माइनस एक, और फिर भाई एक्स हो गया। चलो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना निकला, ठीक है। आ जाओ भाई एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक आई एक्स, तो एक से ना लिखाएगा। चलो भाई माइनस दो, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विघात से शून्य का निकालना, सॉरी त्रिघात से शून्य का निकालना। तो ये चीज तो बुआ कहाँ गया, किधर गया, ये आपको देगा, ये कभी कभी देगा, ये देगा, इतना करने की जरूरत ना होगा तो क्या करेंगे, टेक ना निकल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा चांस क्वेश्चन देगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यही बात। तो तैयारी है ना हर तरह से, आज मैथ को रोक देते पर है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव एक से लेकर जितना ऑब्जेक्टिव है टोटल सब्जेक्टिव दो जगह मिलेगा, एक तो दुनवरिया जो रहता है आगे उधर, फिर पीछे दीर्घ उत्तरीय होगा उधर, ठीक है। उसको दोनों जगह से बना कर पूरा एकदम, तो